एक बार फिर से हुआ पलटवार, हनुमान बेनीवाल ने फिर से उठाई उंगली। राजस्थान के झुंझुनू जिले में आरएलपी पार्टी द्वारा निकाली जा रही सत्ता संकल्प यात्रा आज झुंझुनू पहुंची। यात्रा के झुंझुनू पहुंचने पर आरएलपी प्रमुख एवं सांसद हनुमान बेनीवाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद हनुमान बेनीवाल के झुंझुनू में रोड शो किया। रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। गठबंधन नहीं होता है, आरएलपी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हनुमान बेनीवाल ने रिजपाल मिर्धा द्वारा दिए गए बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके बेटे को पिछली बार में जिता दिया। हनुमान बेनीवाल ने रिजपाल मिर्धा को लेकर कहा कि वह पढ़े लिखे नहीं है, 5वीं पास है, दिन में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। यह वही लोग हैं जो नागौर, मारवाड़ और किसान राजनीति के दुश्मन थे। यह उसी परिवार से आते हैं जिन्होंने राजस्थान में किसान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया।